सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो गया है। इसे नाराज जैन समुदाय के लोग शेयर कर रहे हैं। इसे ऑल आईज ऑन पावागढ़ अटैक कहा जा रहा है। ऐसा ही पहला पोस्ट रफा नरसंहार के लिए बनाया गया था। इसके बाद ऑल आईज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान पर था, फिर ऑल आईज ऑन राइसी अटैक, और अब ऑल आईज ऑन पावागढ़ अटैक। पावागढ़ पहाड़ी गुजरात के वडोदरा में स्थित है और ये एक बहुत ही प्राचीन स्थल है। पावागढ़ जैन तीर्थ और शक्तिपीठ महाकाली मंदिर एक ही क्षेत्र में स्थित है। पीएम मोदी ने एक बार कहा था, पावागढ़ भारत की विविधता का आदर्श उदाहरण है। वर्षों से ये मंदिर जैन और हिंदू दोनों भक्तों के साथ अपनी भक्ति का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र रूप से सह अस्तित्व में है। पाँच सौ छः सौ वर्ष पहले एक जैन महाराज साहब ने मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन पर दो जैन लोगों ने जैन मंदिर के साथ साथ महाकाली मंदिर के जीर्णोद्धार में भी मदद की थी। ये लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने भक्तिवश ऐसा किया था। हिंदू और जैन समान रूप से महाकाली मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर जय टिनखग्गर की मूर्तियां हैं। हिंदू और जैन दोनों ही मंदिर में पूजा करने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। जस्ट अ मिनट, वेट वेट, आई टेल यू व्हाट दिस इज। The ICC's T20 Men's World Cup has started. Exciting, right? It has ISL interpretation. Here is where you can watch it. You can watch it on cable or DTH on Star Sports 3. You can also watch it on your phones on Disney Plus Hotstar. Have a look. बताया जा रहा है कि सीढ़ियों के किनारे लगी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। भारत और दुनिया भर में जैन समुदाय इस अपमान से स्तब्ध है। मूर्तियां किसी को परेशान नहीं कर रही थी। उन्होंने उनके विनाश की आवश्यकता पर सवाल उठाया। जैन समुदाय ने पावागढ़ मंदिर ट्रस्टी से मूर्तियों की सुरक्षा करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और तोड़फोड़ पर उतर आए। जैन समुदाय स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि उनका अपमान किया जा रहा है। मूर्तियों को तोड़फोड़ कर कूड़े की तरह फेंक दिया गया। जैन समुदाय गुस्से में है और ऑल आईज ऑन पावागढ़ अटैक पोस्ट को साझा कर रहे हैं। पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी अशोक भाई ने जवाब देते हुए कहा, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। 20 दिन पहले काम शुरू होने से पहले ही लोगों को इन्हें हटाने की सूचना दे दी गई थी। काफ़ी पहले ही सूचना दे दी गई थी कि अगर किसी को मूर्तियां रखनी है तो ले जाएं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। केवल एक ही मूर्ति दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो भी जानबूझकर नहीं तोड़ी गई थी। जब मैंने कारीगर से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मूर्ति पहले ही क्षतिग्रस्त थी
और इसी कारण टूट गई। ये कभी भी जानबूझकर नहीं किया गया था। वडोदरा समस्त जैन संघ के नेता वडोदरा कलेक्टर के आवास पर पहुंचे और मूर्तियों की बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सूरत में जैन समुदाय ने ऐसा ही किया। ये चौंकाने वाला है कि 93 साल के महाराज साहब सूरत कलेक्टर विजय रावल के दफ्तर पहुंचे और पावागढ़ में मूर्तियों की पुनर्स्थापना की मांग की। मुंबई, सूरत, वडोदरा और कई अन्य शहरों में जैन समुदाय शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हर कोई तोड़ी गई मूर्तियों की मरम्मत की मांग कर रहा है। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी कहते हैं, पावागढ़ एक ऐतिहासिक भूमि है और हजारों वर्षों से मौजूद है। किसी भी ट्रस्ट, संस्थान या व्यक्ति को मूर्तियां तोड़ने की का अधिकार नहीं है। जैनियों की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। हालांकि जैन नेताओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे प्रदर्शन करते रहेंगे। अन्यथा वे विरोध जारी रखेंगे। अब जब आदेश पारित हो गया है कि जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि अब जैन समुदाय के भीतर शांति होगी। इससे क्या होगा मम्मी जी? फोकस बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ए, मेरा तो हो गया। शाबाश। अब ये लो। अब ये क्या है? स्वीप शॉट कोने में भी करना। अब हर मम्मी का मैजिक है टीम इंडिया के साथ। ये सब का ड्रीम है, ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।